गाइस क्या हाल चाल। तो फाइनली देखो हमारा न्यू BTS क्रिएटर टोकन का इवेंट आ चुका है। जैसे कि मोको स्टोर इवेंट, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोको स्टोर इवेंट के अंदर आप कम से कम डायमंड के अंदर यानी कि ओनली वन स्प्लिंटर के अंदर कैसे गेट कर सकते हैं, या तो अगर बात करें ना उसको आप बिल्कुल ही फ्री में भी गेट कर सकते हैं। जी हाँ, देखो ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप जो मोको स्टोर इवेंट के अंदर आपको BTS क्रिस्टल टोकन मिलने वाला है उसको ना बिल्कुल ही फ्री में कैसे गेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ देखो, इसके अलावा बात करने वाले हैं फ्री कैरेक्टर के बारे में। जी हाँ देखो, आप सभी को आज ना एक बिल्कुल ही फ्री में कैरेक्टर भी मिलने वाला, तो कैसे मिलेगा एंड कहाँ पर जाके ना आपको गेट करना पड़ेगा, एंड हाँ आपको गेट करने के लिए कौन सा मिशन कम्प्लीट करना पड़ेगा, वो सब कुछ इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आज की वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच कर लेना। सो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग देखो, सबसे पहले आप जैसे फ्री फायर को ओपन करोगे ना आपको मोको स्टोर इवेंट देखने के लिए मिलेगा, तो इसको ओपन कर लेना, ठीक है। ओपन करने के लिए ओनली टच करना पड़ेगा। वैसे मजाक करो तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो आपको ना ग्रैंड प्राइज एंड दूसरा की बोनस प्राइजेस देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको ना BTS क्रिस्टल टोकन है उसको सिलेक्ट कर देना, ठीक है ना। कि देखो दूसरा कोई भी फालतू का रिवॉर्ड्स आपको सिलेक्ट नहीं करना है, वरना बंडल मिस कर दोगे। एंड दूसरी चीज़ की यहाँ पर देखो बोनस प्राइजेस के अंदर आपको ना गन इमोट देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर से कोई भी चीज़ आपको जो भी मतलब कि मन पसंद है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड हाँ, सिलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह का इवेंट देखने के लिए मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आपको स्पिन करना पड़ेगा। जी हाँ देखो, मैंने बोला था कि आपको फ्री में मिलेगा, लेकिन वो कैसे मिलेगा तो चिंता मत करो, मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर आपको जो BTS क्रिस्टल टोकन है इसको गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डायमंड खर्च करने पड़ेंगे जो कि करीबन 1000 डायमंड भी लग सकते हैं, ठीक है। एंड चलो अब बात करेंगे आप BTS क्रिस्टल टोकन ना बिल्कुल ही फ्री में कैसे गेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें डायमंड नहीं खर्च करने, ठीक है। तो यहाँ पर से बैक कर लेना है। एंड बैक करने के बाद क्या करना है, आपको इवेंट के अंदर आना पड़ेगा जो कि हमारा गेन FF इवेंट। एंड देखो यहाँ पर से आपको ना कुछ टोकन्स मिलने वाले, यानी कि देखो गेम खेलने के बाद आपको जो टोकन्स मिलेंगे ना उनसे कुछ यहाँ पर रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन अभी आपको ना कोई भी रिवॉर्ड्स एक्सचेंज नहीं करना है। आपको ना एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलने वाला, वो कैसे मिलेगा एंड कब मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तक वो वाला इवेंट आया नहीं, ठीक है। एंड चलो अब बात करते हैं BTS क्रिस्टल टोकन आप बिल्कुल ही फ्री में कैसे गेट कर सकते हैं। तो देखो ऊपर की तरफ आओगे ना, वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा BTS का कैलेंडर इवेंट, यानी कि देखो जहां से आपको ना अलग अलग तरीके से BTS टोकन मिलने वाली है। अब चलो वो इवेंट क्या होने वाला है एंड किस तरह से आपको ना बिल्कुल ही फ्री में एंड कब टोकन मिलेगा, तो देखो मैंने कल बोला था कि हमारे साथ इवेंट है जहाँ पर अलग अलग तरीके से ना आपको BTS के क्रिस्टल टोकन मिलेंगे। लेकिन देखो जैसे कि हमारा मोको स्टोर इवेंट आ चुका है, तो यहाँ पर मोको स्टोर वाला इवेंट है ना उसके अंदर आपको ना कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावा देखो यहाँ पर 4 इवेंट्स के अंदर आपको ना क्वेश्चन मार्क देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि कौन सा इवेंट आने वाला उसका ना कुछ भी पक्का नहीं है। लेकिन देखो मैं आपको पक्का बता सकता हूँ कि अब जो 4 इवेंट आने वाले उनमें से ना 3 इवेंट या तो 2 इवेंट आपको डायमंड्स इवेंट देखने के लिए मिलेंगे, एंड एक या तो 2 इवेंट आपको मिशन इवेंट, यानी कि देखो आप मिशन कम्प्लीट करने के बाद ना कोई एक बंडल या तो 2 बंडल गेट कर सकते हैं। एंड वैसे देखो हमारा पहला इवेंट है ना उसके अंदर आपको जो न्यून स्टिक्स टोकन, यानी कि देखो मैंने बोला ना कि उसको खर्चा नहीं करना है, ठीक है, वरना बंडल को मिस कर दोगे, तो उस टोकन से भी आपको ना एक बंडल मिलने वाला है जिसको ना आप बिल्कुल ही फ्री में गेट कर पाओगे। एंड एक दूसरा भी इवेंट आएगा जहां पर मिशन इवेंट होगा जिसके अंदर कम्प्लीट करने के बाद ना एक BTS क्रिस्टल टोकन मिलेगा, जहां से भी आप बिल्कुल ही फ्री में कोई भी बंडल गेट कर सकते हैं। और हाँ देखो सॉरी भाई लोग, फ्री में कैरेक्टर कैसे मिलेगा वो तो मैं बताना भूल ही गया था। देखो यहाँ पर लिखा है ना गेट ट्रायल कार्ड, यानी कि फिर से हमारा एक न्यू इवेंट स्टार्ट हो चुका है जहाँ से आप कोई भी कैरेक्टर गेट कर सकते हैं। एंड देखो आपको ना कॉल बैक इवेंट भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पहला जो इवेंट है गेट ट्रायल कार्ड इसको ओपन करते हैं। यहाँ से आपको ना 14 डेज के लिए, भाई साहब मतलब कि 15 दिनों के लिए यहाँ से कोई भी कैरेक्टर आप बिल्कुल ही फ्री में उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि देखो परमानेंटली नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपको परमानेंट भी मिलने वाला है। उसके लिए आपको ना लिंक टोकन कलेक्ट करना पड़ेगा जो कि डेली मिशन के अंदर आपको मिलते होंगे। एंड उसके बाद ना कोई भी एक कैरेक्टर आप परमानेंटली गेट कर पाओगे, तो आज से भी आप परमानेंटली एक बिल्कुल ही फ्री में कैरेक्टर गेट कर सकते हैं। एंड अभी के टाइम पे कोई भी एक कैरेक्टर आप बिल्कुल ही फ्री में यानी कि कुछ दिनों के लिए यूज तो कर सकते हैं ना, तो इस तरह से आपको कैरेक्टर एंड जो BTS के क्रिस्टल टोकन है वो मिलने वाले हैं। तो जो वाले गेट करना चाहते हैं, मैंने आपको जो भी ट्रिक बताई है
यानी कि देखो फालतू की कोई भी ट्रिक नहीं है। लक रोल के अंदर जाने के बाद ऐसा करना है तभी आपको फ्री स्पिन में मिलने के टोकन मिलेगा, ऐसा कुछ होता नहीं ठीक है। वैसे यानी कि देखो अगर आपको गेट ही करना है तो डायमंड खर्च करने ही पड़ेंगे। तो देखो आज की वीडियो को रखेंगे, और हाँ आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना। तो चलिए बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल ऑफ गाइस।